हाय बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं सब बच्चे? एक बारी फटाफट से एनर्जी के साथ बता दें। ओह, मेरी आवाज आ रही है? एक बारी बेटा आप लोग अब एनर्जी दिखा दीजिए कि यस मैम, वी आर वेरी वेरी मच रेडी, है ना, टू स्टडी दिस टॉपिक। आज सुबह की क्लास बहुत ही अमेजिंग क्लास थी। जिसको नहीं पता है, दोपहर को 12 बजे हम लोग एक्स्ट्रा पोर्शन कर रहे हैं, या मैं कहूँ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जो भी थ्योरी टॉपिक से रिलेटेड हैं उस पर किस तरीके के और कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कल मैंने आपको लिंकेज का पूरा क्रॉस बताया था, आज मैंने उस लिंकेज को एक्सटेंड करके आपको न्यूमेरिकल्स करने सिखाए, जीन मैपिंग करनी सिखाई, अल्फ्रेड स्टूटेवेंट के बारे में बताया। जो बच्चे वो स्पेशल क्लास नहीं लगा रहे हैं बेटा, एक तरीके से आप अपना ये वाला पोर्शन अधूरा रख रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट प्रैक्टिस क्लास। आज हमने उसमें ऑलमोस्ट 50 मिनट्स थ्योरी करी है, थ्योरी के बारे में बात करी है, लिंकेज को और डीपली समझा है, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, जिसमें दो जीन्स आपस में लिंक्ड हैं एक नहीं है, ये सब चीजों के बारे में बेटा हम बात कर रहे हैं। सो व्हेनेवर आई से दैट देयर इज अ स्पेशल क्लास, दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज बच्चों के नोट्स और ज्यादा प्रॉस्पर हुए हैं, तो फ्यूचर में बेटा हम ऐसी क्लासेस करते रहेंगे। आज हमने जो टॉपिक चूज किया है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, और एक क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन में से हर साल आता है ऑलमोस्ट, मतलब इस चैप्टर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक आफ्टर मेंडल क्रॉस इज सेक्स डिटर्मिनेशन, और उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ से क्वेश्चन जरूर अटकते हैं, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। लर्न करना है कि यार इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें इसकी हेट्रोकमिटी है, इसमें इसकी हेट्रोकमिटी है, और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बेटा आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फटाफट से सेशन को यार लाइक तो कर दो, है आ ही गए हो तो कर दो, नहीं आते तो बात अलग थी। कम ऑन गाइस, फास्टली लाइक द सेशन। यस, हाँ जी, कर दीजिए फटाफट से, फटाफट से। यस, कम ऑन। कर दिया, कर दिया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। जल्दी जल्दी कर दीजिए, जल्दी जल्दी। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दैट आज आखिरी दिन है। टुडे इज द लास्ट डे फॉर आइकॉनिक ऑफर, जिसमें आपको आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पर 35% ऑफ मिल रहा है, 1 ईयर के लिए भी और 2 ईयर के लिए भी। आज आखिरी दिन है। कल से नॉर्मल कितना हो जाएगा? कल से बेटा इट विल रिड्यूस टू 5%, ठीक है? तो अभी 35% चल रहा है। ये ऑफर के लिए बेटा आप लोग कोड यूज करिएगा सीप लाइव, जिससे आपको मेरे साथ साथ सबकी क्लास, सब कुछ दिख पाए। आइकॉनिक बेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तुम्हें एक नहीं, तुम्हें सारे बैचेस मिलते हैं। एक टीचर के नहीं, सब टीचर के मिलते हैं, सिर्फ एक बैच के टीचर नहीं, हर बैच के टीचर के मिलते हैं। और बेटा मेरा नया बैच अग्नि बैच अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, पहला चैप्टर अभी खत्म भी नहीं हुआ है, तो तुम सोच सकते हो कि तुम अभी ज्यादा लेट नहीं हुए हो। इसमें अग्नि बैच का आइकॉनिक आप ले सकते हैं। कोड आपको क्या लगाना रहेगा? सीप लाइव। साथ ही में अगर आप कोटा में रहते हैं, ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। अगर आप बेटा ओनली बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो ओनली बायो का भी बेटा बैच है। बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगी, एक सब्जेक्ट से बात नहीं बनती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चाहिए। आई रियली वांट कि आप प्रॉपर टेस्ट दे पाएं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर बैच ही लेना चाहिए। बाकी बेटा स्पेशल रैंकर ग्रुप एक चल रहा है, इसमें एक टेस्ट होगा बेटा 16, 23rd and 30th of July को। ये जो स्कैनर है इसको आप स्कैन करके इस रैंकर ग्रुप में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है जी? चलिए, कौन है जेएनयू का? यहाँ कोई क्यों बच्चा आएगा बेटा? हम लोग 11th, 12th और ड्रॉपर को पढ़ाते हैं, है ना, बड़े बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। आप जब यहाँ से पढ़ के जाएंगे तब आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर कुछ बड़े बनेंगे। हो सकता है आप दोबारा यहाँ पर क्लास देखने आए, बच्चे ढूंढ रहे हैं इसका कौन है, इसका कौन है। बेटा आप अपना देखा करो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी आज की क्लास का पर्पस क्या है, अगला 1 घंटा क्या मैं सीखने वाला हूँ या फिर नहीं सीखने वाला हूँ। अगर आपको लगता है आप अगले 1 घंटा जितना मेरे साथ बिताते हैं आप सीखते हैं, आप लर्न करते हैं, आप अपना सब्जेक्ट पर पकड़ बनाते हैं, तो बेटा इस क्लास में रुकिए। और सिर्फ रिप्लाई करना है तो मुझे रिप्लाई करिए। आपस में यार कुसुम वुसुम हो गया, ठीक है? अब कुसुम को छोड़ो, कुसुम ने अपना टेलीग्राम दे दिया था, अपना नंबर दे दिया था। कुसुम अब ये क्लास नहीं लगाती है, क्योंकि कुसुम अब उस जगह जाकर अपना टाइम, देखो मजा बहुत आता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। वो सब करने में, एक दूसरे से बात करने में मजा बहुत आता है। क्यों क्यों मजा आता है? अंदर से ये भी पता होता है यार गलत कर रहे हैं, अंदर से आवाज आती है कि यार गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, बट अंदर से मजा इतना आ रहा है कि वो मजा हमें कंट्रोल करने लगता है। मजा इसीलिए आता है बिकॉज आपके बॉडी के अंदर मेनी हार्मोनल चेंजेस आर हैपनिंग। आप नहीं कर रहे हैं, ये ऑक्सीटोसिन आपसे करवा रहा है, ठीक है, करवा रहा है। तो क्या मैम अब हार्मोन करा रहा है, करते नहीं, हार जाएं? नहीं, आपको जो ऑक्सीटोसिन करा रहा है बेसिकली इट इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी न्यू, यू जस्ट हैव टू चैनलाइज दैट एनर्जी। और थोड़ा सा माइंडफुली सोचना है कि यार मेरे इस एक्शन का निष्कर्ष क्या होगा। ये आपस में बतियाने से, एक दूसरे को नंबर शेयर करने से, फिर और बात करने से, ये तूने क्या खाया, मैंने क्या खाया, तेरा रंग, आपका फेवरेट कलर कौन सा, मेरा फेवरेट कलर कौन सा, क्या पहना क्या, इससे बेटा आप माइंडफुल होइए, क्या कुछ हासिल होगा मजे के अलावा। और बच्चा कहे मजे हासिल होंगे, मजे होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन क्या कुछ सब्सटेंशियल हासिल होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या कुछ लॉस होगा? सोच के देखे, क्या कभी कुछ लॉस होगा? तो इसका आंसर है बेटा हाँ, लॉस होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो क्या वो लॉस आप इस समय, इस साल में अफोर्ड कर सकते हैं? बताइए, क्या वो लॉस आप इस साल अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। अगर इस साल ये लॉस हुआ तो यार मेरी तो पूरी जिंदगी लॉस हो जाएगी, मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूंगा उसके बाद, मेरे को एमबीबीएस नहीं मिली तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, उसके बाद मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, चलो उनको छोड़ो, अपना सोचो, मेरा ड्रीम छूट जाएगा मेरे से। एक साल है बेटा, एक साल भी नहीं है, 9 महीने बचे हैं तुम्हारे पास। देख रहे हो बच्चे को पैदा होने में भी कितना समय लगता है, 9 महीने। तुम्हारा भी जेस्टेशन पीरियड चल रहा है। अब जेस्टेशन पीरियड में तुमको देखना है बीच में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, क्योंकि आपको अपनी हालत अगले 3 महीने में पता है। नेक्स्ट 3 मंथ्स वी विल डिसाइड, यू योरसेल्फ वुड नो कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 3 महीने के बाद जो तुम टेस्ट लिखोगे ना, उस टेस्ट में अगर आपके 400 से नीचे, 300 से नीचे नंबर बन रहे होंगे, क्योंकि आपने इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब किया है, तो बेटा होगा। और आपको पता है जैसे प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट 3 महीने आर द मोस्ट क्रूशियल, सारे बच्चे के ऑर्गन्स तभी बन जाते हैं। उस समय जो मदर है उसको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि उस समय सारे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है ना। बहुत सारी ड्रग्स भी उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, बहुत सारे उसको परहेज करने होते हैं। वैसा ही आपके लिए बेटा इस पूरे 9 महीने में द मोस्ट क्रूशियल इज नॉट द 9th मंथ। 9th में तो यार जो सीखा है वो उगल आओगे वहां पर। द मोस्ट क्रूशियल इज फर्स्ट 3 मंथ्स, ये जो चल रहे हैं ये 3 महीने। जिसने कर लिया, कंसिस्टेंट रह लिए, एक रूटीन बना लिया, आदत बना ली टेस्ट देने की, रिवाइज करने की, प्रैक्टिस करने की, तो यार आप कर जाएंगे, ठीक है। यस, ओके, सो फर्स्ट 3 मंथ्स आर द मोस्ट क्रूशियल वन। मेक श्योर कि आप इस पहले 3 महीने को सच में अपने आप को जेस्टेशन पीरियड में समझें। आप सच में जेस्टेशन पीरियड चल रहा है और आपका पहला महीना चल रहा है। बता दिया करो मुझे आके मैम कौन सा महीना चल रहा है। पहला, ये जेस्टेशन पीरियड तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन का है एंड इट इज वेरी क्रूशियल। इस महीने कोई गलत ड्रग, कोई गलत खाना, कोई गलत आदमी, कोई गलत ट्रैवल प्लान, सब खराब है तुम्हारे लिए। बीच में टर्मिनेशन हो सकता है, ठीक है, अभी पक्का नहीं है डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, राइट? चलो आ जाओ। अरे हाँ यार, लास्ट लेक्चर के नोट्स देने रह गए। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं भूल गई। मैं आपको इस लेक्चर के बाद देती हूँ, बीच में नहीं दूंगी, इस लेक्चर के बाद दूंगी, बट मैं दे दूंगी, डू नॉट वरी, ठीक है जी, डू नॉट वरी। तो बेटा फटाफट से सेक्शन क्या कह रहे हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। टॉपिक का क्या नाम है? सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है जी। सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा 3 तरीके की होती है। हम डिटेल में 2 ही तरीकों को पढ़ेंगे, 3 तरीके की होती है, 1, 2, 3। फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, सेकेंड वन इज क्रोमोजोमल, जैसी ह्यूमन में होती है क्रोमोजोम्स डिटर्मिन करते हैं। फर्स्ट थर्ड वन इज जीनिक बैलेंस थ्योरी, जो हमने इतना डिटेल में नहीं करनी है, ठीक है जी। यस, तो एनवायरमेंटल, क्रोमोसोमल एंड जीनिक बैलेंस थ्योरी। फर्स्ट वाली स्टार्ट करते हैं बेटा, जहां पर उस लार्वा के अराउंड या उस एग के अराउंड का एनवायरमेंट, उसका टेम्परेचर बताएगा कि उस लार्वा, उस बच्चे का फ्यूचर में सेक्स क्या होने वाला है। तो पहली वाली स्टार्ट करते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्या ये ह्यूमन में होती है? ह्यूमन में ये डिपेंड करता है कि मदर कहाँ रहेगी, मदर को गर्मी में रखोगे तो लड़का पैदा होगा, ठंड में रखोगे तो लड़की पैदा होगी। बेटा ऐसे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है ना, ऐसे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती। नहीं, ये ह्यूमंस में नहीं होती है। ह्यूमंस में एनवायरमेंट डज नॉट कंट्रोल द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं यहाँ पर कुछ मरीन मॉलस्क का, इसका एग्जाम्पल दूंगी। कुछ मरीन मॉलस्क हैं और बेटा वर्म्स हैं, और क्या है, वर्म्स हैं। जैसे क्रेपिड्यूला, ठीक है, मरीन मॉलस्क जैसे कि क्रेपिड्यूला, ठीक है, और कुछ वर्म्स जैसे कि बोनेलिया। इन वर्म्स में क्या होता है, दोनों में फर्टिलाइजेशन के बाद, ध्यान देना है, इन दोनों वर्म्स में, इन दोनों ऑर्गेनिज्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन लार्वा बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा जी क्या बनता है, लार्वा बनता है। अब इस लार्वे को कैसे रियर करोगे, अकेला रखोगे या फिर मम्मी के साथ रखोगे, मदर के साथ रखेंगे, वो डिटरमिन करेगा कि इस लार्वा का फ्यूचर में सेक्स क्या होने वाला है। यानी कि अगर आपने लार्वा के एनवायरनमेंट में बेचारे को अकेला छोड़ दिया, रियर्ड अलोन, रियर्ड अलोन, हाँ जी बेटा, अगर बेटा जी अकेला रह गया तो कौन सा सेक्स बनेगा, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल चाइल्ड, कौन सा रहेगा, फीमेल इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है, इफ इट इज रियर्ड अलोन। दूसरा केस क्या बनता है, लार्वा इज रियर्ड विद फुली डेवलप्ड फीमेल। रियर्ड मतलब उसकी टेक केयर, रियर्ड विद फुली डेवलप्ड फीमेल, फीमेल के साथ बेटा इसकी रियरिंग करेंगे तो यार ये फीमेल इंडिविजुअल में से कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होंगे जिससे इस लार्वा के फीमेल कैरेक्टर सुप्रेस हो जाएंगे। फीमेल कैरेक्टर सुप्रेस हो जाएंगे तो सेक्स बच्चे का क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म का क्या आएगा, मेल सेक्स। सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेल इंडिविजुअल। यहां पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ध्यान दो, बिफोर फर्टिलाइजेशन है या आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, बताइए। यहां पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रहा है या आफ्टर हो रहा है, तो तुम बोलोगे यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, इस डिटर्मिनेशन को हम बोलते हैं एपिगेमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मैं यहाँ डब्बा बना देती हूँ एक, ठीक है जी, ये दिख रहा है, यस। तो अगर बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन हो, दूसरा होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यस yes. या फिर हो सकता है आफ्टर, जैसे कि इस केस में हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हाँ जी। अगर बेटा बिफोर हो, इसको बोलेंगे प्रोगैमिक, प्रो मतलब पहले, प्रिमिटिव, प्रोगैमिक। अगर बेटा ड्यूरिंग हो तो सिनगैमिक, और जैसे कि इस वाले केस में हो रहा है आफ्टर, तो इसको बोलेंगे एपिगैमिक। तो ये कैसी सेक्स डिटर्मिनेशन है, तुम बोलोगे ये एपिगेमिक सेक्स डिटर्मिनेशन है, क्योंकि इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका एनवायरनमेंट कंट्रोल करेगा, बिफोर वाला नहीं कर रहा है, ठीक है, यस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाला आपका एनवायरनमेंट, क्या आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट थिंक सो। चलिए, एनवायरमेंटल में सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने इसका लिया, मरीन मॉलस्क का लिया। अगला एग्जाम्पल मैं लेने वाली हूँ खतरनाक ऑर्गेनिज्म को, जिसको हम जू में जाके देखते हैं, जू में, और हमारे घर में भी मिलता है। क्रोकोडाइल तो घर में नहीं मिलता, लेकिन छिपकली तो मिलती है, ठीक है, जू में जाके देखते हैं ना क्रोकोडाइल को। अब इनका भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद टेम्परेचर कितना मिलता है। तो मान लीजिए ये इनके फर्टिलाइज्ड एग है, ऐसे मत लिख देना कोई भी अंडे, नहीं, फर्टिलाइज्ड एग है। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, इनके इंक्यूबेशन पर डिपेंड करता है, किस पर, इंक्यूबेशन पर डिपेंड करता है। अगर बेटा जी इंक्यूबेशन हाई टेम्परेचर पर होगा, या तो हाई टेम्परेचर पर होगा या फिर बेटा जी टेम्परेचर क्या होगा, या फिर टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर। अगर क्रोकोडाइल और लिजर्ड के केस में इंक्यूबेशन हाई टेम्परेचर पर है तो यार कौन सा इंडिविजुअल बनेगा, मेल सेक्स, और लो टेम्परेचर पर इंक्यूबेट करोगे तो क्या बनेगा, फीमेल सेक्स, ठीक है, यस। क्या हो गया, कोई दिक्कत, चलो बेटा आपको तो करे। कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत? कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? ठीक तो लिखा है ना? उल्टा तो नहीं लिख दिया? ठीक लिखा है? हाँ, नो दिक्कत। चलिए बेटा आ जाइए। अरे यार अब तुम बिल्कुल ही भाषा को वैसे ले लोगे मैम, इट्स नॉट लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है यार, तुम बहुत लोअर को जाओगे, ह्यूमन के कंपैरिजन में बोला जा रहा था, बट चलो रिलैक्स, हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारी तरह वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। ठीक है जी, यस, ओके, राइट। रियरिंग मतलब टेक केयर करना। ओके, नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पे बेटा जी, आता है आपका थर्ड एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी टर्टल्स। किसके एग्जाम्पल करेंगे? टर्टल। टर्टल जो है वो लिजर्ड का रिवर्स है। किसका? लिजर्ड का रिवर्स है। हाँ जी, यहाँ पर भी अपने ले लेते हैं फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड ले रहे हैं, एपिगेमी की कर रहे हैं। फर्टिलाइज्ड एग ले लिया। फर्टिलाइज्ड एग को बेटा जी अपन लोग इनक्यूबेट करते हैं या तो हाई टेम्परेचर पर अगेन या फिर लो। ये ऊपर वाले का ऑपोजिट है, ऊपर वाले का ऑपोजिट है। अगर बेटा जी हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो क्या होगा? फीमेल सेक्स, और लो टेम्परेचर पर करेंगे तो क्या होगा? मेल सेक्स। अब कितना हाई कितना लो, जनरली जो वैल्यू होती है हायर मीन्स मोर देन 33 डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर टेम्परेचर मीन्स लेस देन 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इंक्यूबेशन बेटा, जब भी आपने हेन के अंडे देखे होंगे या किसी के भी अंडे देखो, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर करना पड़ता है, तब जाके बेटा हैचिंग होती है, तब वो अंडा फटता है। दैट इज इंक्यूबेशन, कि आप किस टेम्परेचर पर उन अंडों को रख रहे हो। तो यार अगर हाई टेम्परेचर पर रखोगे मोर देन 33 तो यार कौन सा सेक्स बनेगा इस केस में? टर्टल के केस में फीमेल। और अगर लो पे करोगे तो कौन सा बनेगा? मेल। ठीक है जी। अब बच्चे के मन में जब सवाल तो आते हैं, मैम अगर टेम्परेचर आपने रख लिया 31 बीच का, 33 और 28 के बीच का टेम्परेचर रख लोगे तो क्या होगा? सवाल तो आता है ना। इनके बीच का टेम्परेचर रख लिया मैम 33 और 28 के बीच वाला, 29 रख लिया, 30 रख लिया, 31 रख लिया, तब क्या होगा? तब बेटा मेल और फीमेल के इक्वल ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही है। यस, एब्सोल्युटली बेटा जी, करेक्ट वन रहेगा, मेल एंड फीमेल इक्वल ऑफस्प्रिंग। तो ये बात होगी बेटा एनवायरमेंटल। बस अपने ने एनवायरमेंटल में इतना ही करना है। अब जो मेजर अपने डिस्कस करनी है, जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको एक्सपेक्ट करा रही हूँ, वो है बेटा क्रोमोसोमल। इसमें से सवाल आता है बिल्कुल डायरेक्ट, मैच द फॉलोइंग आ गया या सिंपल स्टेटमेंट लिखी हुई आ गई, तो बड़ा सिंपल सा सवाल आता है, अगर आपने इसको लर्न कर लिया है तो। शुरू करते हैं बेटा क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ जी, आ जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है? द सेक्स विल बी डिटर्मिन्ड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स जो उस ऑफस्प्रिंग में आ रहे होंगे। हमारे पास बेटा इसके लिए कुछ डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स हैं। इन क्रोमोसोम्स को द क्रोमोसोम विच डिटर्मिन सेक्स, इनको नाम दिया जाता है, विच डिटर्मिन सेक्स ऑफ द चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। एक तो सिंपल नाम ये, और क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको अपन लोग एलोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोसोम। और क्या बोलते हैं? इडियोसोम। और जनरली ये डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोसोम। ये सब आपने सेक्स क्रोमोसोम्स के ही नाम है, एलोसोम, इडियोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर 2 तरीके के क्रोमोसोम हो गए। एक तो नॉर्मल क्रोमोसोम जो सोमैटिक कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, उनको सोमैटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम बोलते हैं, ऑटो, ए फॉर ऑटोसोम। और अगर बेटा जो क्रोमोसोम ऐसे हैं जो सेक्स को डिटरमिन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। जनरली बेटा, पक्का नहीं है, जनरली दी सेक्स क्रोमोसोम्स दे आर नेम्ड एज एक्स एंड वाई। इसको मैं ब्रेक भी कर दूंगी अभी जब मैं टाइप्स बताऊंगी, सारे एक्स वाई नहीं होते, कुछ में जेड डब्ल्यू भी आता है। तो ये क्या है? एक्स एंड वाई। अब ये एक्स क्रोमोसोम का नाम कौन देके गया था? ये जो एक्स क्रोमोसोम का नाम है, बात करते हैं बेटा एक्स क्रोमोसोम की। एक्स क्रोमोसोम का जो नाम है ना, देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनकिंग। ठीक है, हेनकिंग करके एक साइंटिस्ट थे, वो बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे इंसेक्ट्स में। किस में पढ़ रहे थे? इंसेक्ट्स में। वैसे तो ये एमबीआई में आएगा, मैं यही बता देती हूँ। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे इंसेक्ट्स में। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार 50% ऑफ मेल गैमीट्स ऑफ दीज इंसेक्ट्स दे हैव अ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। 50% मेल गैमीट के पास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कुछ है, और इसको इन्होंने नाम दे दिया था एक्स बॉडी। क्या नाम दे दिया था? एक्स बॉडी। बाद में बेटा विल्सन आए और उन्होंने बोला कि यार एक्स बॉडी क्या है, असल में एक एक्स क्रोमोसोम है, तो यहां से नाम आया। तो डिस्कवरी किसने की? तो यार हेंकिंग। एक्सीडेंटल था, वो क्या पढ़ रहे थे? सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे इंसेक्ट में। उन्होंने देखा यार आधे मेल गैमेट्स में, आधे में एक न्यूक्लियर सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको उन्होंने एक्स बॉडी बोल दिया। और इस एक्स बॉडी को बाद में विल्सन ने बोला कि यार ये क्या है, ये तो अपना क्रोमोसोम ही है। अब करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ जी मेरे बच्चों, चार तरीके की बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन है जो हम आज इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे वाली, जैसे ह्यूमंस में होती है। ह्यूमंस में कौन सी होती है? एक्स 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 वाई। हमेशा याद रखना है, मैं अपने लिए, मैं ये मेरा अपना तरीका है लिखने का, आपका अलग भी हो सकता है। मैं पहले बेटा फीमेल के बारे में लिखूंगी फिर मेल के बारे में लिखूंगी। पहले फीमेल हमेशा फिर मेल, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक्स 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 वाई, देन हम पढ़ेंगे जेड डब्ल्यू जेड जेड, देन हम पढ़ेंगे एक्स 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 जीरो, देन अपने पढ़ेंगे जेड जीरो एंड जेड जेड, ठीक है जी। यस मेरे बच्चों, ठीक, बताओ हाँ जी। शुरू करते हैं बेटा पहली वाली, वन बाय वन सबको डिस्कस करना है। सबसे पहले वाली है हमारे वाली एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं किसमें है। एग्जाम्पल इज ह्यूमंस, हमारे में ही होता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स भी हैं उसमें भी होता है। तो यहाँ पर अपन लोग क्या कह रहे हैं कि यार फीमेल और मेल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक लिख लेते हैं फीमेल और यहाँ लिख लेते हैं मेल। मैंने बोला फीमेल फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, तो इसीलिए लेडीज का जो सेक्स है वो मैंने पहले यहाँ पर लिख दिए, सेक्स क्रोमोसोम पहले लिख दिए। तो फीमेल एंड देन मेल। फीमेल को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हमारे बारे में बात हो रही है, 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर प्रेजेंट है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स, लिख सकते हैं। बेसिक बायोलॉजी जो 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास हर क्रोमोसोम के 2 सेट्स हैं, यानी कि ऑटोसोम्स, ए फॉर ऑटोसोम्स, 1 to 22 तो ऑटोसोम है ना। 23rd क्रोमोसोम तुम्हारा क्या है, एक्स एक्स वाला है, यानी कि 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स, ठीक है जी। मेल को कैसे लिख सकते हैं, 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, ऐसे लिखेंगे। ये अपने क्या है, पेरेंट है, क्या है पेरेंट। पेरेंट बेटा जी क्या बनाते हैं, गैमीट। गैमीट में तुमको पता है आधे क्रोमोसोम आते हैं, तो फीमेल का गैमीट किस टाइप का बनेगा, सारे एक ही जैसे गैमीट बनेंगे। फीमेल का गैमीट देखेंगे तो यार बनेगा ए प्लस एक्स। 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स में से 1 सेट ऑटोसोम का आया और इन 2 एक्स में से 1 एक्स आया, ठीक है जी। लेकिन मेल के जो गैमीट हैं वो 2 तरीके के बनेंगे, मतलब मेरे पास जो स्पर्म्स हैं वो 2 तरीके के बनेंगे। एक तो स्पर्म बनेगा जिसमें आएगा ऑटोसोम प्लस एक्स, दूसरे बेटा हाफ स्पर्म कैसे बनेंगे, ऑटोसोम प्लस वाई। यस मेरे बच्चे, फीमेल का सारा ओवा एक जैसा, मेल के जो स्पर्म्स हैं वो कैसे बनेंगे, आपके हाफ ऑफ बनेंगे, गैमीट्स जो है वो हाफ ऑफ बनेंगे। अब यार इस कंडीशन को जिसमें फीमेल के सारे गैमीट्स एक जैसे बन रहे हैं, ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स, यानी कि फीमेल अपनी क्या है, फीमेल है होमोगैमेटिक। क्या बोल सकते हैं बेटा, यस और नो बताइए, फीमेल अपनी क्या है, होमोगैमेटिक, एक जैसे आपके गैमिट्स बन रहे हैं। लेकिन जो मेल है, मेल बेटा जी कैसे हैं, मेल है बेटा जी यहाँ पर हेटेरोगैमेटिक। यस, मेल क्या है हमारे यहाँ पर ह्यूमंस के केस में, हेटेरोगैमेटी। तो कौन सा ऐसा सेक्स है जिसने 2 तरीके के गैमीट बनाए, ये मेल है या फीमेल है। यस, कौन सा ऐसा सेक्स है जिसने 2 तरीके के गैमीट्स बनाए, मेल है या फीमेल है। तो तुमने देखकर बताया कि यार इट इज एक्चुअली द मेल जिसने 2 तरीके के गैमीट्स बनाए। तो मैं इसको बोलूंगी, मैं इसको बेटा नाम दे दूंगी, दिस इज शोइंग मेल डाइगैमेटी, लिख सकते हैं दिस इज शोइंग मेल डाइगैमेटी। फीमेल डाइगैमेटी तो नहीं है, फीमेल के तो सारे गैमीट्स ही ए प्लस एक्स, क्योंकि उसके पास तो सेम टाइप का सेक्स क्रोमोसोम है। फीमेल तो होमोमॉर्फिक है, लेकिन मेल क्या है अपना, हेटेरोमॉर्फिक। बेटा फीमेल अपनी क्या है, होमोमॉर्फिक, इसको हम लिखते हैं होमोमॉर्फिक, और मेल अपना क्या है, हेटेरो मॉर्फिक। ठीक है जी, यस मेरे बच्चे, हाँ जी। तो ये बात हो गई फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें हमने करना था XX XY। अब अगला तुम खुद बना लोगे। अगला बेटा मैंने तुम्हें वैसे आइडिया दे दिया है कि पहले नंबर पे मैंने फीमेल लिखी है, तो तुम खुद बना सकते हो कि किसमें किसकी डाइगेमेटी है, किसकी हेटरोगेमेटी है। अगला वाला करते हैं, सेकंड नंबर इज ZWZZ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं ये किस में पाया जाता है। एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स में। ठीक है, बर्ड्स में, सम रेप्टाइल्स, कुछ बेटा रेप्टाइल्स में भी ये पाया जाता है, कुछ प्लांट्स में भी पाया जाता है, फिशेस में भी पाया जाता है, सिल्कवर्म में भी ये चीज पाई जाती है। अब क्या मेल फीमेल बना लेंगे? यस। क्या मैंने गलत लिंक दे दी है ग्रुप में? 1 मिनट देखने दो यार, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। सच में गलत लिंक दे दिया? ओ यस, इट इज पॉसिबल, ऐसा हो गया। तुम लोग ना होते तो बेटा मेरा क्या होता। ओके, तभी मैं कहूं बच्चे कहाँ हैं आज। ये काम भी बेटा मैं तुम्हें दे दूंगी। लाइव क्लास, सही कह रहे हो, मैंने ऊपर भी सुबह भी गलत लिंक दे दिया था। ओ, सुबह भी गलत लिंक दे दिया था। बेटा क्या किया जाए सीप मैम का, मुझे लग रहा है मैं बूढ़ी हो रही हूँ। यस, मैं बूढ़ी हो रही हूँ बेटा। ये तो पता है कि ZZ इज होमोगोमेटिक, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, बट ZZ मेल है या फीमेल है? यस, ZZ मेल है या फीमेल है, बताइए कौन से स्टूडेंट्स का ग्राफ। हाँ जी, तो यहाँ पर जो फीमेल है, मैंने बताया था यार लेडीज फर्स्ट, आपको याद रखना है लेडीज फर्स्ट, और फिर मेरी तरह ही बोलना है, इसको ZZ ZW नहीं बोलेंगे आप, इसको ZWZZ बोलेंगे। अच्छा, तो लेडीज फर्स्ट यानी कि जो मेरी फीमेल पेरेंट है, हाँ जी फीमेल पेरेंट है, वो क्या है बेटा जी, दैट इज 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस ZW, है ना। और जो मेल पेरेंट है, दिस इज द फीमेल, जो मेल पेरेंट है वो है 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस ZZ, दिस इज गोइंग टू बी द मेल वन। अब बना लेते हैं बेटा इसके गैमीट्स बनाओ। यहाँ पर बेटा जी जो फीमेल है इसके 2 तरीके के अंडे बन सकते हैं, 2 तरीके के गैमीट्स बन सकते हैं, तो एक यस, हाफ सेट ऑफ ऑटोसोम आएगा प्लस इधर Z आएगा, हाफ सेट ऑफ ऑटोसोम आएगा प्लस इधर W आएगा। लेकिन अगर मैं इधर मेल की बात करूं तो यार एक ही तरीके के गैमीट बनेंगे, दैट इज A प्लस Z, दिस इज Z बेटा, A प्लस Z, है ना, यही बन सकते हैं। यानी कि मेल के सारे गैमीट्स सेम है, फीमेल के जो गैमीट्स हैं उसमें दो टाइप्स ऑफ एग्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर हेटेरोगैमेटिक कौन है, तो तुम बोलोगे यहाँ पर हेटेरोगैमेटिक कौन है, यहाँ पर हेटेरोगैमेटिक है अपनी फीमेल। साथ ही में इसकी कौन सी डाइगेमिटी है, किसको डाइगेमिटी बोलेंगे, दिस इज शोइंग फीमेल डाइगेमिटी। यस बेटा, फीमेल डाइगेमिटी, गॉट इट। तो बर्ड्स में क्या है, फीमेल डाइगेमिटी। ह्यूमंस में क्या है, मेल डाइगेमिटी। ठीक है, यस, याद रखना है। तो थर्ड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अपने ने कर लिया है। अगले वाला करते हैं, सेकंड टाइप कर लिया है, थर्ड टाइप करती हैं, दैट इज XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन सा? XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आ जाइए, तो सबसे पहले बेटा ये किस में पाया जाता है, राउंड वर्म्स में। बहुत बारी सवाल आता है राउंड वर्म में, ग्रास ऑपर में, ठीक है, ग्रास ऑपर में, वैलिसनेरिया में, ठीक है, दैट इज XXXO, राइट मेरे बच्चों। O का मतलब है नो, जीरो है ये, दिस इज नॉट बेसिकली O, दिस इज जीरो। ठीक है, जीरो मतलब एक में जाएगा ही नहीं। तो अपने कर लेते हैं यहाँ पर कौन से पेरेंट्स बनेंगे, तो पेरेंट्स यहाँ पर बना रहे हैं। पेरेंट्स बेटा एक बनेगा अपना, पहले फीमेल लिखेंगे लेडीज फर्स्ट, और फिर लिखेंगे मेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट का क्या नेचर होगा, दैट इज 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस XX, ऊपर से देख रहे हैं XX। मेल का क्या होगा, 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम प्लस X, 0 बोल लो तुम। अगर मैं देखूं फीमेल के गैमीट्स का सिचुएशन, यहाँ पर बेटा सारे गैमीट्स जो हैं फीमेल के जो सारे एग्स हैं वो एक ही तरीके के बनेंगे। कौन से तरीके के? ऑटोसोम का एक पेयर, एक सेट और एक्स, है ना, एक ही तरीके के बन सकते हैं मियोसिस के बाद। लेकिन अगर मैं मेल की बात करूं, किसकी? मेल की बात करूं, मेल गैमीट्स की, तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, या तो ऑटोसोम का एक सेट प्लस एक्स आएगा या फिर बस ऑटोसोम का एक सेट आएगा, नो सेक्स क्रोमोसोम प्लस जीरो, नो सेक्स क्रोमोसोम एट ऑल। तो यहाँ पर किसने दो तरीके के गैमीट बनाए? दिख रहा है, मेल ने बनाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक अपना मेल है। डाइगैमेटी किसने शो की? मेल ने। डाइगैमेटी किसने शो की? मेल ने। ठीक है जी, चलिए तीन तरीके का हो गया, एक आखिरी तरीके का बचा है, दैट इज गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी जेड जीरो एंड जेड जेड। ठीक है जी, चलिए ये किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी बटरफ्लाईज, मॉथ, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स। ठीक है जी, चलिए ये बिल्कुल रिवर्स है बेटा, किसका? एक्स एक्स एक्सओ का रिवर्स है। ये जो हमने पिछला किया एक्स एक्स एक्सओ, अब हम जेड ओ जेड जेड कर रहे हैं, सो इट इज जस्ट द रिवर्स। तो फटाफट से बना लो यार, ये तुम्हारे लिए आसान है, मुझे लग रहा है मुझे बनाना भी नहीं चाहिए। पेरेंट एंड यहाँ पर बनाएंगे हम उनके गैमीट्स। पेरेंट बेटा पहले हम लिखते हैं फीमेल पेरेंट, फिर अपन लिखते हैं मेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट लिखेंगे तो टू सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस जेड ओ, ठीक है। मेल लिखेंगे तो टू सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस जेड जेड। अब गैमीट्स बना लो बेटा, फीमेल के जो गैमीट्स बनेंगे वो दो तरीके के एग्स बनेंगे, मेल के जो गैमीट्स बनेंगे वो एक ही टाइप के बनेंगे। फीमेल में क्या आएगा? एक सेट ऑफ ऑटोसोम प्लस बेटा जेड आएगा, ठीक है, और एक सेट ऑफ ऑटोसोम कुछ भी नहीं आएगा, नो सेक्स क्रोमोसोम। जबकि मेल में देखोगे एक सेट ऑफ ऑटोसोम प्लस जेड ही आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब यहाँ पर डाइगैमेटी कौन शो कर रहा है? फीमेल डाइगैमेटी, या फिर इसको बोलेंगे हेटेरोगैमेटिक कौन है? फीमेल। तो चारों में से बता दो, मेल हेटेरोगैमेटिक कौन शो कर रहा है और फीमेल कौन कर रहा है? यस, चारों में से बता दीजिए मेल हेटेरोगैमेटिक कौन शो कर रहा है और फीमेल कौन कर रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, चारों में से डब्बा बना के बताइए। मैं पिछले पेज पे लिखूंगी, यहाँ पर लिखूंगी। यस, हेटेरोगैमेटिक कौन कौन सी शो कर रहा है? मेल वाले कौन से हैं? यहाँ से देख लो ना, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ये देखिए, ये मेल है, बाद वाला मेल होता है। तो अगर मैं इसको ध्यान दूंगी तो ये और ये जो हैं ये मेल हेटेरोगैमेटी शो करते हैं, ये भी और ये भी। फीमेल वाली फीमेल हेटेरोगैमेटी एंड फीमेल हेटेरोगैमेटी। हाँ, इक्वल है, चार में से दो मेल हेटेरोगैमेटिक हैं और दो आपके फीमेल वाले हैं। तो ये तो टाइप हो गई बेटा क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसमें मैं एक स्पेशल केस बताना चाहती हूँ, वो बताना चाहती हूँ हनी बी का। किसका? हनी बी का, वेरी इंपॉर्टेंट। हनी बी का केस कर लेते हैं बेटा जी। यस, कमिंग ऑन टू हेप्लो डिप्लॉइडी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर केस थोड़ा अलग है, नॉर्मल केस नहीं है। हैप्लोडिप्लॉइडी, और इसका अलग से मेंशन है बेटा, हैप्लोडिप्लॉइडी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। किसमें देखा जाता है? हनी बी और वॉस्प्स में। किसमें देखने को मिलता है? हनी बी, मधुमक्खी एंड वॉस्प, भूंड, ठीक है, उसमें देखने को मिलता है। अब मधुमक्खी के केस में मैं हनी बी का केस लूंगी बेटा, वॉस्प का नहीं ले रही हूँ यहाँ पर। हनी बी के केस में जो एग है फीमेल का, जो गैमीट है, याद रखना है, फीमेल का जो गैमीट है, जैसे बेटा ये एग है मेरे पास, ये क्या है? फीमेल का एग है। इस एग के अंदर जो क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैप्लॉइड होगा, दैट इज n इज इक्वल टू 16। ये अंडा है बेटा, आपको पता है हनी बी की फैमिली में कितने मेंबर है? तीन। कौन कौन से? एक रानी, क्वीन, फिर बेटा राजा तो नहीं कहेंगे, बेचारा वो क्वीन के उस पर चलता है, ठीक है, ड्रोन, द मेल मेंबर इज ड्रोन, एंड जो बाकी के कारीगर है जो पूरा काम संभालते हैं, बेचारे मजदूर है एक तरीके से, वो कौन है? वर्कर। यानी कि हनी बी की फैमिली में दो फीमेल मेंबर है और एक आपका मेल मेंबर है। जो दो फीमेल मेंबर है उनका नाम है क्वीन और एक है वर्कर, और जो मेल मेंबर है इसका नाम है ड्रोन, ठीक है, इसका नाम है ड्रोन। अब ये जो क्वीन है ये बेटा रानी है, रानी तो रानी बन के रहेगी, छोटे मोटे काम नहीं करेगी। कि सफाई करूंगी ना, सफाई नहीं करोगे। सफाई करने के लिए किसको भेज दिया? वर्कर। मैं क्या नेक्टर लेके आऊंगी? मैं नेक्टर नहीं लेके आऊंगी। किसको बना दिया? वर्कर को। मैं क्या हनी बना बैठ के बनाऊंगी? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। ये सब छोटे काम कौन करता है? वर्कर। तो रानी साहिबा क्या करेंगी? रानी साहिबा कहते मैं जिंदगी में एक ही काम करूंगी, दैट इज टू ले एग्स, टू रिप्रोड्यूस। माई ओनली फंक्शन, माई ओनली पर्पज ऑफ द लाइफ इज कि मुझे आना है, अंडे देने हैं और बेटा जनरेशन आगे बढ़ानी है। ये जो पूरी इनकी फैमिली चलती है, आप मानेंगे नहीं बेटा, इसमें सिर्फ एक ही रानी रहती है। एक मधुमक्खी के छत्ते में, इन वन बी हाइव देयर इज ओनली वन क्वीन, रेस्ट आर द वर्कर्स। बहुत सारे वर्कर्स होते हैं और बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं, लेकिन रानी एक छत्ते में एक ही होती है और उसका एक ही काम है, टू ले एग्स। तो फिर बेटा बाकी के छोटे काम सारे किसके हैं? छोटे काम सारे वर्कर के। छोटे काम क्या है? छोटे काम है क्लीनिंग ऑफ द हाइव, पहरेदारी करना, टेकिंग केयर, ढूंढना कि यार नेक्टर कहाँ पे है, वो नेक्टर लेने जाना और अपनी साथी वर्कर को बताना कि भैया राइट साइड में इस जगह पर, सूरत से इस दिशा पर तुम्हारा नेक्टर पड़ा। नाच गाना करना, बेटा नाच गाना भी करती है, देयर इज बी डांसिंग। और इस नाच गाने का पर्पस क्या है? मधुमक्खी के छत्ते में नाच रही है बेटा, वॉबल डांस, ये डांस, वो डांस करती है। क्यों नाच रही है छत्ते में? इस डांस करने से, डांसिंग के पैटर्न से उनके साथी वर्कर को पता चलता है कि यार नेक्टर यानी कि फ्लावर्स इधर है, इधर है, किस दिशा में है, सनलाइट किस दिशा में। डांसिंग के पैटर्न से बेटा पता चलता है। तो ये नाच गाना करना, सफाई करना, पहरेदारी करना, नेक्टर लेके आना, उससे हनी बनाना, ये सब क्वीन को, रानी को छोटे काम लगते हैं। तो छोटे काम सारे कौन कर रहा है? वर्कर। तो क्वीन ने बोला मैं तो एक हूं, मैं सिर्फ बच्चे पैदा करूंगी। अब आगे बताओ क्या करना है। क्वीन ने सोचा यार मुझे तो मेल भी तो चाहिए, तो यार उसको साथ देने वाला कौन है? ड्रोन। क्या ड्रोन वर्कर का साथ देता है? नहीं, ड्रोन का भी एक काम है, एक ही काम है जिंदगी में, टू फर्टिलाइज क्वीन, टू फर्टिलाइज क्वीन। और हैरानी वाली बात यह है बेटा, ये जो मेल है ना, ये अपनी कुर्बानी देता है इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज। जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो क्वीन अपनी नप्शियल फ्लाइट पे जाती है। नप्शियल मतलब मैरिज वाली फ्लाइट पे, नप्शियल बोलते हैं, बेसिकली टर्म इज यूज्ड फॉर मैरिज। क्वीन उड़ के मैरिज वाली फ्लाइट पे जाती है कि यार अभी अपने कॉन्ज्यूमेट करते हैं। देन ड्रोन भी जाएंगे, बहुत सारे ड्रोन जाएंगे, क्वीन तो एक ही है ना छत्ते में, ड्रोन बहुत सारे जा रहे हैं। जो ड्रोन फर्टिलाइज करने में, अपने मेल गैमेट्स देने में सक्सेसफुल हो जाता है, वो मर जाता है। ही नेवर रिटर्न्स बैक टू द हाइव, वो कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, वापस सिर्फ कौन आती है? क्वीन। तो मेल मेंबर के साथ थोड़ी तो जागती हो रही है यार, थोड़ा तो गड़बड़ चल रहा है। ठीक है जी, तो समझ गए, तीन मेंबर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वीन सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर, सबसे ज्यादा यू नो स्ट्रॉन्ग मेंबर, सबसे ज्यादा हार्ड वर्कर कौन है? वर्कर। और ड्रोन जी हैं जो अपनी, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यार मैं नप्शियल फ्लाइट पे जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ड्रोन को पता ही नहीं होता ये चीज कि मैं मर जाऊंगा, वो तो बड़े शौक से जाता है कि यार मेरा जिंदगी में काम ही है टू फर्टिलाइज क्वीन। चल रहे, वो चाहते हैं कि यार मैं फर्टिलाइज करूं, लेकिन जो कर जाएगा वो मर जाएगा, वो कभी भी वापस छत्ते में आएगा ही नहीं, है ना। यस, हाँ क्या कह रहे हैं? चैट पर ध्यान दो, बड़ी फनी चल रही है, देख लेते हैं क्या फन चल रहा है, क्या चल रहा है, इतनी हंसी क्यों आ रही है? ठीक है, इतनी हंसी क्यों आ रही है? राइट बेटा, तो ये पता चल गया। अब बेटा मान लीजिए क्वीन गई अपनी नप्शियल फ्लाइट पे, ठीक है, क्वीन गई उड़ने के लिए कि यार अपन लोग चलते हैं, मैं चलती हूँ, अपन लोग क्या वो के लिए मैं चलती हूँ। अब समय आ गया ब्रीडिंग का, पीछे पीछे ड्रोन्स उड़ रहे हैं, एवरी ड्रोन वांट्स कि यार मैं फर्टिलाइज करूँ। ठीक है, क्वीन ने बेटा वहां पर गैमीट बना के रखा होगा, तो ये क्वीन का गैमीट है। ठीक है, ये गैमीट है। गैमीट में आपको पता है n इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि मियोसिस से बनता है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है, जो हैप्लॉइड नंबर है, वो कितना है? 16 है। कितना बच्चों? हैप्लॉइड नंबर 16 है। अब बेटा दो केस बनेंगे यहाँ पर, दो केस। कुछ केस ऐसे होंगे कि क्वीन का, ये क्वीन का ही है ना ऑब्वियसली, वर्कर का तो नहीं है, क्योंकि वर्कर इज द स्टेराइल मेंबर ऑफ द फैमिली। वर्कर आगे रिप्रोड्यूस नहीं करता। मतलब फीमेल दो तरीके की हैं, एक वर्कर है और एक आपकी क्या है? क्वीन। क्वीन इज द फर्टाइल मेंबर, फर्टाइल फीमेल ऑफ हनी बी फैमिली। वर्कर इज स्टेराइल, वो कर ही नहीं सकती है ये। ठीक है, चलो, तो क्वीन ने बेटा एग्स बनाए। अब उस एग्स की दो किस्मत हो सकती है। पहली किस्मत एग की क्या है? care about fertilizing now. That ends it does not fertilize. तो यार क्या करें इसका n equal to 16 का क्या करें बेटा, ये पार्थिनोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट से, किससे, पार्थिनोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट से यही फीमेल गैमीट कन्वर्ट हो जाता है मेल प्रोजेनी में, यही फीमेल गैमीट बेटा जी कन्वर्ट हो जाता है मेल प्रोजेनी में, यानी कि वो अंडा फीमेल का, वो गैमीट जिसको मेल का गैमीट नहीं मिला, अकेला था वो, अकेला था वो, फर्टिलाइज नहीं किया, फर्टिलाइज नहीं किया तो बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल प्रोजेनी में। तो बताओ मेल के अंदर कितना क्रोमोसोम, बताएंगे मेल के अंदर बेटा जी कितना क्रोमोसोम, यस मेल के अंदर कितना क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जा रहा है ना, फीमेल गैमीट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मेल प्रोजेनी, कितने क्रोमोसोम आएंगे मेल के अंदर, आपको पता है यार ये फीमेल गैमीट डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ है, इसको किसी और के क्रोमोसोम नहीं मिले जुड़ने के लिए, तो यानी कि मेल्स का जो नेचर है, मेल कौन है, मेल है बेटा जी अपना ड्रोन, इस ड्रोन के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड नंबर ही होगा बेचारे के अंदर, दैट इज 16, यानी कि द मेल आर हैप्लॉइड, सिर्फ फीमेल डिप्लॉइड है, फीमेल का दर्जा बेटा यहाँ पर ऊपर है, ठीक है, फीमेल का दर्जा ऊपर है। अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस अपना आता है दैट इज इफ फर्टिलाइजेशन इज डन, यानी कि अब ये जो एग है इसको ड्रोन का स्पर्म मिल चुका है, एक तरीके से मेल स्पर्म्स मिल गए हैं इसको, तो मान लीजिए इस एग को मेल स्पर्म मिलेंगे, मेल स्पर्म का मतलब है n इक्वल टू 16 मिलेगा। अब बेटा ये क्या होगा, अब ये होगा फर्टिलाइज, अब बेटा फर्टिलाइज होकर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाएगा, 2n इज इक्वल टू 32 बन गया कि नहीं बना, क्वीन का अंडा तो रेडी था, मेल से भी स्पर्म ले लिए, स्पर्म को जोड़ दिया, क्या बन गया बेटा आपका 2n इक्वल टू 32, और याद रखना है अगर 32 बन गए, 2n बन गया तो वो मक्खी फीमेल है, कौन सी है, वो मक्खी फीमेल है। फिर मैंने तुम्हें बताया यार फीमेल तो दो तरीके की है, एक क्वीन है एक वर्कर है, तो यार अगर इस फीमेल को मिली फीडिंग के लिए रॉयल जेली, क्या मिली बेटा जी इसको, रॉयल जेली मिली, अगर बेटा इसको क्या मिली, रॉयल जेली मिली, तो यार ये बन जाएगी आपकी क्वीन वाली फीमेल, कौन सी फीमेल, क्वीन वाली। और अगर बेटा इसको अपनी ग्रोथ में रॉयल जेली नाम का अमृत नहीं मिला, ये एक तरीके से अमृत है, तो बेटा ये बन जाएगी कारीगर, वर्कर, मजदूर, है ना, ये काम करने वाला, जबकि इसमें कोई हार्म नहीं, असली काम तो बेटा, असली छत्ता तो मेंटेन वर्कर नहीं करा हुआ है ना, असली वर्कर तो यही है, मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ द बी हाइव दे आर वर्कर, समझ गए बेटा, यस। तो यहाँ पर जो मेल्स हैं वो क्या है, हैप्लॉइड है, देख रहे हैं मेल हैप्लॉइड है, और फीमेल क्या है बेटा जी, डिप्लॉइड है। इस फीमेल में भी ये जो क्वीन है, क्वीन बेटा फर्टाइल मेंबर ऑफ द फैमिली है, और जो वर्कर है वो स्टेराइल फीमेल है, शी कैन नॉट यू नो रिप्रोड्यूस फर्दर, स्टेराइल फीमेल है, यस, ओके, क्लियर हो गया। अब बेटा इसको नाम हैप्लोडिप्लॉइडी आपने क्यों दिया, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो मेल है वो तो हैप्लॉइड रह रहे हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं, और जो फीमेल है वो क्या बन जा रही है, डिप्लॉइड बन जा रही है, क्योंकि वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन रही है, इसीलिए बेटा इस टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन को बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि जो मेल्स हैं वो बेटा हैप्लॉइड रह जा रहे हैं, और जो फीमेल्स हैं वो क्या बन जा रही है, डिप्लॉइड बन जा रही हैं, यस। ऐसा टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, वैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, बट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ऐसा टाइप का पार्थिनोजेनेसिस जिसमें मेल जो है वो हैप्लॉइड होते हैं हमेशा और फीमेल डिप्लॉइड होते हैं, इसको आर्हीनोटॉकी बोलते हैं, एक थैलीटॉकी होती है, ठीक है, ये कौन सी है, आर्हीनोटॉकी। सो दिस टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ आर्हीनोटॉकी। आर्हीनोटॉकी वो तरीके की पार्थिनोजेनेसिस है जिसमें पार्थिनोजेनेसिस मेल में हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो मेल है वो हैप्लॉइड रह जा रहा है, और बेचारा जो बेचारी तो नहीं है फीमेल है वो क्या हो जा रही है, डिप्लॉइड हो जा रही है। अब मान लो बेटा एक छत्ता था, क्या था, एक छत्ता था, उस एक छत्ते में ये क्वीन थी, क्वीन गई, ड्रोन ने फर्टिलाइज किया, और यहां पर मान लीजिए ये केस हो गया, जो नेक्स्ट जनरेशन बनी फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेबी पैदा हुआ वो कौन सा क्वीन। अब यार एक पुरानी क्वीन ऑलरेडी है, एक नई क्वीन और पैदा हो गई। क्या एक राज्य में दो रानियां हो सकती हैं? बताओ, क्या एक राज्य में दो रानियां हो सकती हैं? बताइए। क्वीन थी, आगे जो बच्चा पैदा हुआ वो बेबी क्वीन है, फ्यूचर क्वीन है। क्या एक राज्य में दो रानियां हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। तो फिर बेटा क्या हश्र होता है? जब नई रानी आ जाती है, पुरानी वाली को छत्ता छोड़ के, राज्य छोड़ के जाना पड़ता है। सो व्हेनेवर देयर इज अ बर्थ ऑफ न्यू क्वीन, the old queen leaves the hive along with some members of drone and worker। वो अपने कुछ चेलों को लेकर, मेल भी और फीमेल को लेकर चली जाती है नई जगह पर। इस प्रोसेस को बोलते हैं swarming। क्या बोलते हैं? swarming। तो जहां पर जो लोग बी हाइव्स के साथ मतलब क्लोजली एसोसिएटेड है, जो इसका काम करते हैं कि जहां पर नया छत्ता हमने एपियरी बनानी होती है, वहां के लोग बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं किसी स्वॉर्म को। स्वॉर्म मतलब झुंड जा रहा है, झुंड जा रहा है मधुमक्खियों का। वो जो झुंड है उसमें एक ओल्ड क्वीन है और उस छत्ते के उसके कुछ चेले हैं, मेल वाले भी और वर्कर वाले भी। तो उनको जब कोई ऐसा नया छत्ता बनाने का पॉसिबिलिटी दिखता है, जैसे हम आर्टिफिशियल हाइव्स बनाते हैं, तो हम उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि यार वो यहाँ अगर अपना नया छत्ता बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक राज्य में दो रानियां नहीं रह सकती। दिस इज कॉल्ड एज स्वॉर्मिंग। एंड स्वॉर्मिंग को स्टडी करना, अगर आप एपियरी का काम करते हैं, तो बहुत जरूरी है ना? यस मेरे बच्चों। कह रहे मुझे लगा कि उसे मार दिया जाता है। बेटा कौन मारेगा? बताओ उसको कौन मारेगा? कोई नहीं मार रहा है ना, कोई नहीं उसको मार रहा। तो ये बात हो गई आपकी सेक्स डिटर्मिनेशन की। क्या ये चीज 100% मेरे बच्चों क्लियर आई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे, दिस इज हाईली हाईली इंटरेस्टिंग। यस बताना मेल कैसे बनेगा? ये बन तो रहा है पार्थिनोजेनेसिस से, दिस इज द मेल फॉर्मेशन। ठीक है, ये बन रहा है अपना मेल। तो विद दिस वी आर डन विद सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन हुई यहाँ पर समाप्त, है ना? ओके बेटा जी, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक बेटा अगला कराना चाहती हूँ। जीनिक बैलेंस इतना आपका सिलेबस में नहीं, उसमें ड्रोसोफिला के बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात करते हैं। पहले पढ़ाया जाता था, कुछ मॉड्यूल्स में लिखा भी हुआ है, बट उस पर अब इतना सवाल नहीं आता। सवाल बेटा इसी क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पे डायरेक्टली आ जाता है, एनसीईआरटी में भी यही मेंशन्ड है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बेटा जी अपन लोग चलते हैं, थोड़ा सा म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा बात करेंगे बेटा। आज की क्लासेस में जानती हूँ वीकेंड है, बट क्या नीट एस्पिरेंट के लिए कुछ सेकंड सैटरडे संडे होता है? नहीं होता। तो क्लास बेटा आपकी लगनी थी आज, छोटी ले रहे बट लगेगी। म्यूटेशन कर लें फटाफट से थोड़ा सा। वर्कर भी 2n है, यस ऑफ कोर्स बेटा, वर्कर भी 2n है, दोनों 2n है। ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है। वर्कर एंड क्वीन बोथ आर डिप्लॉयड। अगर रॉय जेली खाई होती तो वो क्वीन बन जाती, नहीं तो वो सारे वर्कर बन जा रहे हैं। दोनों फीमेल, लेकिन जो वर्कर फीमेल है वो स्टेराइल फीमेल है, जो क्वीन फीमेल है वो फर्टाइल फीमेल है। हाँ जी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं बच्चे, मतलब कुछ भी चल रहा है। नितिन जांगरा समथिंग एल्स ही इज राइटिंग। यस, म्यूटेशन क्या चीज है? म्यूटेशन क्या चीज है? तो म्यूटेशन के बारे में बेटा जी बात करें, दैट इज सडन, अचानक से आपके जीन्स में, आपके क्रोमोसोम में, आपके डीएनए में अचानक से कोई ऐसा चेंज आ जाए जो कि अगली जनरेशन में जाएगा, क्योंकि बेटा वो इनहेरिटेबल चेंज है। जीन में चेंज आ गया ना, और अगली जनरेशन में यही जीन्स, यही क्रोमोसोम, यही सब जाते हैं। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट सडन चेंज इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। म्यूटेशन को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? बेटा म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले जो साहब हैं वो हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, उनका नाम है ह्यूगो डी व्रीज। उन्होंने एक थ्योरी का नाम दिया था जिसका नाम था म्यूटेशन थ्योरी। उन्होंने काम किया था बेटा इवनिंग प्रेमरोज, दैट इज ओइनोथेरा लेमार्कियाना पर, और उन्होंने बेटा थ्योरी दी थी म्यूटेशन थ्योरी। और उन्होंने बोला था म्यूटेशन क्या है? इट इज अ सडन लार्ज रैंडम नॉन डायरेक्शनल चेंज। ठीक है, इसको उसने बोला चेंज। और अगर ये चेंज अचानक से एक स्टेप में हो जा रहा है, दैट सिंगल स्टेप म्यूटेशन इज कॉल्ड एज सॉल्टेशन। खैर इसकी बात हम ज्यादा डिटेल एवोल्यूशन में करेंगे, बट यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख के टाइप्स ऑफ म्यूटेशन करते हैं। तो सबसे पहले इट इज द सडन, अचानक से होने वाला, इनहेरिटेबल, अगली जनरेशन में जाने वाला, सडन इनहेरिटेबल, डिसकॉन्टिन्यूस, ऐसा नहीं है कि चलता हुआ आ रहा है, अचानक से कभी भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, चेंज आया आपके डीएनए में कुछ, विच अपीयर इन प्रोजेनी, है ना, विच अपीयर इन प्रोजेनी। इस बेटा सडन चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। अगर बेटा वो चेंज आपके जीन्स में आएगा तो क्या उससे जीनोटाइप चेंज हुई? हाँ। क्या उससे फिनोटाइप चेंज हुई? हाँ, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि म्यूटेशन किस टाइप की है। द टर्म म्यूटेशन, यस द टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय ह्यूगो डी व्रीज। किसने दी थी बेटा जी टर्म म्यूटेशन? दैट वाज गिवन बाय ह्यूगो डी व्रीज। अब बेटा इस चैप्टर में हम लोग 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन करेंगे। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, बेटा जी आपकी कल क्लास नहीं है, कल संडे है, एक दिन तो छुट्टी बनती है, पिछले संडे भी नहीं दी थी। बच्चे मुझे बोल रहे हैं मैम इस संडे क्लास मत ले लेना, आप पिछले 10 दिन से लगातार ले रहे हो। मैंने कहा यार ठीक है, हम ना थके, हम थक जाए कोई बात नहीं, तुम नहीं थकने चाहिए हो, है ना। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, 3 तरीके का म्यूटेशन, मतलब इसकी अगली क्लास मंडे को होगी। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज जीनोमैटिक म्यूटेशन, सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज क्रोमोजोमल एबरेशन, क्रोमोजोमल एबरेशन, स्पेलिंग ठीक है, एबरेशन, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन, ठीक है बेटा जी। तो 3 तरीके का म्यूटेशन हम लोग स्टडी करेंगे, जीनोमैटिक, क्रोमोसोमल एंड जीन के अंदर का म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या है कि मान लो तुम्हारे अंदर नंबर ही चेंज हो जाए क्रोमोसोम का। अभी तुम्हारे पास कितने क्रोमोसोम है? 46। मैं बोलूं तुम्हारे पास 46 की जगह 45 हो गए, एक गया, या 46 की जगह 47 हो गए, एक एक्स्ट्रा आ गया। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही न्यूमेरिकली चेंज हो जाएं, न्यूमेरिकल चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आइदर द डिलीशन और द एडिशन ऑफ न्यू क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड एज जीनोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम का नंबर तो ठीक है 46 है, मेरे में, तुम में, सब में कोई दिक्कत नहीं है, जीनोमैटिक नहीं है, लेकिन उस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में गड़बड़ आ गई। क्या आ गया? उस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बीच में कुछ जीन ऐड हो गया, जीन डिलीट हो गया, इधर चला गया, उधर चला गया, दैट इज योर क्रोमोसोमल एबरेशन। अब तीसरी वाली मैंने कौन सी लिखी है? जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का मतलब है तुम्हारे डीएनए में चेंज आया। किसमें आया है? डीएनए में चेंज आया, एटीसीजी में चेंज आ गया। डीएनए तुम्हारा 4 बेसिस से बना है, ए लगा हुआ था, ए की जगह टी लग गया, सी लगा हुआ था, सी की जगह ए लग गया, दिस इज जीन म्यूटेशन। तो तुम समझ रहे हो, ये ब्रॉड लेवल पे है। देखिए बेटा इस तरीके से आपके पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स है ना, 23 के पेयर है, लेकिन अगर इसके नंबर में ही चेंज आ जाए तो वो बन जाएगी जीनोमैटिक। अगर बेटा इसके स्ट्रक्चर में चेंज आए कि जो जीन ऊपर लगा हुआ था वो नीचे लग गया, या जीन गायब ही हो गया, नंबर चेंज हो गया, वो बन जाएगी क्रोमोसोमल एबरेशन। दूसरा बेटा इसी क्रोमोसोम को खोल के देखोगे तो अल्टीमेटली तुमको इस तरीके का डीएनए दिखेगा। और डीएनए किससे बनता है? एटीसीजी, है ना, बेसिस से बनता है, 4 ही बेसिस है हमारे पास। इस बेस में कुछ चेंज आ जाए, टी की जगह गलती से ए लग गया, जी की जगह गलती से ए लग गया, दिस इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन। समझे? समझे बेटा, लिख दूं अब मैं, द जीनोमैटिक इज गोइंग टू बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू यस क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम का नंबर 46 की जगह कुछ और हो गया, कम हो गया या ज्यादा हो गया, ब्रॉड लेवल पर म्यूटेशन आ गई, काफी बड़ी म्यूटेशन है बेटा, दिस इज मोर प्रॉब्लमैटिक। देन क्रोमोजोमल एबरेशन क्या होगा? चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोजोम स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब जीन का नंबर चेंज हो गया या जीन का सीक्वेंस चेंज हो गया। क्रोमोजोम के ऊपर जीन होते हैं ना बेटा, ये देखिए इस क्रोमोजोम के ऊपर इतने सारे ऐसे जीन लगे हुए हैं, अगर बीच में से ये जीन मैं डिलीट कर दूं तो सीक्वेंस चेंज, नंबर भी चेंज। अगर बेटा इस जीन को मैं डुप्लीकेट कर दूं, सीक्वेंस चेंज, नंबर भी चेंज, लेकिन हो रहा है एक क्रोमोजोम के ऊपर, ठीक है जी। यस, दैट इज गोइंग टू बी वेरिएशन इन जीन नंबर। जीन का नंबर चेंज होगा और जीन का सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है। Got it? Yes. अगली म्यूटेशन आती है डीएनए के अंदर। जीन म्यूटेशन मतलब एक्चुअल जीन के अंदर घुसना है। अगर मैं तुमको बताऊं फर्स्ट क्लास में कराई थी डेफिनेशन ऑफ जीन क्या थी? जीन बेटा एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये मान लीजिए एक जीन है। जीन क्या है? जीन बेटा एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है। उस डीएनए के अंदर बेसिस में, बेस लेवल पे म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर लेवल पे म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यार जीन किससे बनता है? डीएनए से बनता है। सो इट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू, विद WRTs with respect to, yes, nucleotides, न्यूक्लियोटाइड नंबर, न्यूक्लियोटाइड का नंबर चेंज कर दिया है, न्यूक्लियोटाइड का टाइप चेंज कर दिया है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज कर दिया है। ये हम जीन म्यूटेशन में पढ़ेंगे। और जीन म्यूटेशन में कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, इस चैप्टर में एक स्पेशल टाइप ऑफ म्यूटेशन है पॉइंट म्यूटेशन, तो जरूर पढ़ना है। कौन सी म्यूटेशन है ये? पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक है जी, ये जरूर अपने को पढ़ना है। नहीं बेटा, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी एक चीज ली जाती है बट सेम नहीं है। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टर आए। तुम्हारे मम्मी का हेयर टाइप करली था, तुम्हारा भी करली है, दिस इज हेरिडिटी। अब इनहेरिटेंस कहता है कैसे आए, ऐसा क्या हुआ, क्या चीज आई, किस फिनोमिना से आई कि तुम्हारी मम्मी का हेयर टाइप करली था तो तुम्हारे बाल भी करली है। सो द प्रोसेस, the phenomena of heredity is basically inheritance। तो heredity है कि यार आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं उस प्रोसेस को बताओ, वो आपका inheritance है। more or less same है but थोड़ा सा difference है। हाँ आ जाएगा, बायोमोलिक्यूल नहीं किया कह रहे म्यूटेशन समझ आ जाएगा। मैं ज्यादा डीप बेटा इसमें है भी नहीं, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जीनोमैटिक तो आ ही जाएगा, जो हम आज करने वाले हैं, जीनोमैटिक तो आ ही जाएगा। तो जीनोमैटिक कर लें, बड़ा इंटरेस्टिंग यार, मजा आएगा तुमको। दिस इज मजेदार कॉन्सेप्ट, क्या है ये? मजेदार कॉन्सेप्ट है। आ जाइए, चलते हैं हम लोग जीनोमैटिक। जीनोमैटिक में क्या चेंज कर रहे हो? ब्रॉड लेवल पे, सबसे ब्रॉड लेवल पर जीनोमैटिक म्यूटेशन में तुमने क्या चेंज किया? तुम बोलोगे जीनोमैटिक म्यूटेशन में मैंने क्रोमोसोम का नंबर ही चेंज कर डाला। अब क्या हो सकता है? दो केस हो सकते हैं। या तो ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम थे, 47 हो गए, या 45 हो गए, या 48 हो गए, या 44 हो गए, यानी कि एक दो क्रोमोसोम ज्यादा होना या कम होना। दिस टाइप ऑफ जीनोमैटिक म्यूटेशन इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी, या फिर इसको हेटेरोप्लॉइडी भी बोलते हैं। मतलब एक आधा क्रोमोसोम, वन और फ्यू क्रोमोसोम में चेंज आ जाना, that is change in one और few chromosome। मतलब या तो एक दो गायब हो गए या एक दो एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि इसमें या तो लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? गेन ऑफ क्रोमोसोम, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, दो ही केस हो सकते हैं। अगर बेटा जी लॉस ऑफ क्रोमोसोम होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोप्लॉइडी। अगर ज्यादा हो रहा है तो यार इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हाइपरप्लॉइडी। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, सिंपल। हाइपो का मतलब ऐसे ही कम होता है, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है जी, तो फर्स्ट टाइप ऑफ जीनोमैटिक म्यूटेशन में आपका क्या आ जाएगा? एन्यूप्लॉइडी। समझ गए? एक तो ये हो सकता है एक आधा क्रोमोसोम ज्यादा है, ये भी तो हो सकता है यार पूरा का पूरा सेट आ गया। अभी तुम्हारे पास 23 के कितने सेट है बताओ? अभी तुम्हारे पास 23 के कितने सेट है? यस मेरे बच्चे बताइए, अभी आपके पास 23 क्रोमोसोम्स के कितने सेट हैं? दो सेट है, मान लो तीन आ गए तो, हाँ पूरा का पूरा सेट ही आ गया। हुआ तो जीनोमैटिक ही ना, नंबर तो चेंज हो गया, 46 से अचानक तुम 92 हो गए, है ना। तो सेकंड टाइप ऑफ म्यूटेशन जो कि काफी रेयर है, वो पर्सन सरवाइव ही नहीं करता है, दिस इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। ठीक है, यूप्लॉइडी में क्या होगा? एडिशन और डिलीशन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एडिशन और डिलीशन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, पूरा का पूरा सेट ऐड हो जाना या पूरा का पूरा सेट ही गायब हो जाना। 23 के दो सेट से एक ही बना, आए नहीं, 23 क्रोमोसोम ही आए, दैट ऑब्वियसली दैट जायगोट इज नॉट वायबल, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। ठीक है, चलो, मतलब जो सर्वाइव कर जाएंगे, जो कौन सी वाली म्यूटेशन बेटा सर्वाइव कर जाएगी वो ये है एन्यूप्लॉइडी, कुछ समय तक तो सर्वाइव कर जाएगी। इसी एन्यूप्लॉइडी के बारे में बेटा बात करते हैं। पहले अपने लोग चलते हैं हाइपरप्लॉइडी पे, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा करते हैं, फिर मैं बताऊंगी कैसे एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी हाइपरप्लॉइडी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मल्टीपल टाइम पेपर में आ चुका है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसको हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी पढ़ना है। तो एक बारी बेटा मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि हाइपरप्लॉइडी होता क्या है। मान लीजिए बेटा ये कोई सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, इस सेल में 2n = 8 है। क्या है? 2n = 8, यानी कि ये कहता है कि इसके पास 4 के 2 सेट है। समझ गए? ये क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4। मान गए? ये 1 के 2 सेट, ये बेटा जी आपके 2 के 2 सेट, ये 3 के और ये 4 के, तभी बेटा बना 2n = 8। अब इसमें बेटा मैं सेकेंड क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम और ऐड करा देती हूँ, यानी कि इसमें मैंने क्या किया, +1 कॉपी ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम। समझ रहे हो? अब क्या सीन बना? अब बेटा जी ये सीन बन गया, ध्यान दीजिए, अब ये सीन बन गया 1 के 2 सेट। ठीक है, 2 के मेरे पास कितने? 3 सेट, 3 के 2 सेट और 4 के 2 सेट। यहाँ पर आपने सेकंड क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा डाल दिया। इस केस को हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको? ट्राइसोमी। किसकी? ऑफ 2, सेकंड क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। यस मेरे बच्चों, अब अगर ये 2n था, ये कंडीशन 2n थी, तो इस कंडीशन को क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2n + 1। 2n तो आज भी है लेकिन एक एक्स्ट्रा है। क्या लिख सकते हैं? 2n + 1। साथ साथ बताते जाओ यार, कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में यस और नो की भरमार हो जानी चाहिए, बताते जाइए। 2n + 1। ठीक है जी, अंकिता सोनी बेटा रिप्लाई कर दो, नहीं तो ये आदमी बिल्कुल पागल हो जाएगा। इस आदमी का नाम भी बेटा मैं नोट कर लूँ, काम आता है ना बेटा एग्जाम्पल देने में, बुरी एग्जाम्पलें देने भी तो करनी पड़ती हैं। हाँ जी, क्या नाम है? अविनाश पांडा? नहीं, इस बच्चे का नाम है निखिल। हाँ बेटा, कोई तो रिप्लाई कर दो यार इसको, अविनाश तुम ही रिप्लाई कर दो, नहीं तो बेचारे को पता नहीं क्या हो जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे जो आपको लर्न करनी है, दैट इज गोइंग टू बी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किस वजह से? ट्राइसोमी ऑफ 13। ये हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन अगला है टाउ सिंड्रोम। पटाओ नहीं बोलना इसको, पटाना नहीं है इसको, टाउ सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या है? ट्राइसोमी ऑफ 21। सॉरी बेटा, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21, टाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 13। अगला है बेटा एडवर्ड सिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो ट्राइसोमी ऑफ 18। ठीक है, एक सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी भी अपने पढ़नी है, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दिस इज ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। बेटा क्लाइनफेल्टर वाला मेल होता है, मेल के पास यानी कि XY तो होगा ही होगा, साथ में एक एडिशनल X है। द कंडीशन इज दिस, 2 सेट ऑफ ऑटोसोम प्लस XXY। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ट्राइसोमी का एग्जाम्पल कौन सा है आपका, ये वाला एग्जाम्पल है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा आपको और एक्स्ट्रा कराया जाए या ना कराया जाए। थोड़े से और केसेस बताऊं, बुक में तो नहीं है, शुड आई म्यूटेशन का, क्योंकि बहुत छोटा पैराग्राफ है, बट इट इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यस, हाँ जी, छोटे में बताती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ। चलो, ये केस है, तुम नाम बताना, तुम बेटा नाम बताना, मैं तुम्हें केस बता रही हूँ। चलिए, केस नोट करते हैं। ये इसमें क्या सीन है? वही 2n = 8 है, यानी कि 1 की 2 कॉपी, 2 की 2 कॉपी, 3 की 2 कॉपी और 4 की 2 कॉपी। यही केस हम लेके चलते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, तुमने क्या किया, 1 की 2 कॉपी, 2 की 3 कॉपी कर दी और 3 की भी 3 कॉपी कर दी। समझ रहे हो? 1 की 2 कॉपी है, 2 की बेटा जी 3 कॉपी है, 3 वाले की भी 3 कॉपी है और 1 की 4 की 2 ही कॉपी है। समझ रहे हो? दिस इज फॉर क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4। चारों की दो दो कॉपीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, सेकंड वाले की भी 3 कॉपी डाल दी और इसकी भी 3 कॉपी डाल दी। ये इस केस को क्या बोलोगे, इस केस को बोलोगे यार क्या हो चुका है, डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी का मतलब है यहाँ पर हो चुका है 2n+1+1, है ना, ये क्या हो चुका है डबल ट्राइसोमी। तो यार एक तो ये केस है। अगला केस समझिए, अगला केस समझिए, ये सेल है, फिर ये सेल है, ये इधर वाला टेढ़ा ही बन रहा है, ये सेल है, ठीक है। फर्स्ट तो नॉर्मल है, 1 की 2 कॉपी, 2 की 2 कॉपी, 3 की 2 कॉपी, 4 की 2 कॉपी। अब क्या होगा, अब बेटा 2 की 4 कॉपीज आ रही है। देखिए 1 की 2 कॉपी है, 2 की 1 2 3 4, इसकी 2 कॉपी, इसकी 2 कॉपी। बेटा है ये भी 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा थे लेकिन अलग अलग वाले थे, एक 2 एक्स्ट्रा था और एक 3 एक्स्ट्रा था। यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है लेकिन दोनों सेम टाइप के हैं। इस केस को हम डबल ट्राइसोमी नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रासोमी। यानी कि ये जो कंडीशन बनेगी, ये बनेगी 2n+2+2। यस, टोटल 4 कॉपीज ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम, 2n+2, सॉरी 2n+2। अगर मैं साथ में एक और +2 लगा दूं, अगर बेटा जी साथ में मैं एक और +2 लगा दूं, यानी कि इस एक और +2 होने का मतलब है कोई और क्रोमोसोम की भी 4 कॉपीज प्रेजेंट है, ठीक है, कोई और क्रोमोसोम की भी 4 कॉपीज प्रेजेंट है। यस मेरे बच्चों, यस। चलिए, तो ये बात होगी आपकी हाइपरप्लॉइडी की। अब जरा हाइपोप्लॉइडी कम कर दो फटाफट से नंबर, बस ये लास्ट करेंगे। यस, कम कर दीजिए नंबर हाइपोप्लॉइडी की। हाइपोप्लॉइडी मतलब एक कम कर देते हैं, तो वही क्रोमोसोम, वही सेल बना लेते हैं, ये और ये। ध्यान दीजिए, ये देखिए 1 की 2 कॉपी, 2 की 2 कॉपी, 3 की 2 कॉपी, 4 की 2 कॉपी, यानी ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेट है, दैट इज 2n = 8। अब क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर 2 का एक गायब, यानी कि सीन में क्या है, 1 की 2 कॉपी है बट 2 की 1 ही कॉपी है, देन 3 की 2 कॉपी है और 4 की 2 कॉपी है। इस केस में एक माइनस हो गया है, माइनस होने का मतलब है 2n-1 है, और इस -1 वाले को हम लोग बोलते हैं मोनोसोमी। मतलब नाउ वन ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम इज प्रेजेंट सिंगल। सिंगल हो गया बेटा, बेचारे का पहले गर्लफ्रेंड थी, अब गर्लफ्रेंड गायब। इससे भी डिसऑर्डर होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, मोनोसोमी से जो डिसऑर्डर होता है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, दैट इज ऑटोसोम के 2 सेट प्लस X0। दिस इज टर्नर, कि X की 2 कॉपी होनी चाहिए थी फीमेल में बट X की 1 ही कॉपी है ना, दिस इज टर्नर सिंड्रोम। तो मोनोसोमी सबको क्लियर हो गई है। अब अगर बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस बेटा जी ध्यान दीजिए, ये अब बताना तुम इसको क्या बोलेंगे, 1 की 2 कॉपी, 2 की 2 कॉपी, 3 की 2 कॉपी, 4 की 2 कॉपी। अब क्या हुआ, 1 की तो 2 कॉपी है बट 2 की 1 है, 3 की भी 1 है, 4 की भी 2 है। इसका क्या नाम होगा, ये देखिए बताइए। क्रोमोसोम नंबर 1 2 कॉपीज, 2 2 कॉपीज, 3 3 कॉपीज, 4 की भी 2 कॉपीज। यहाँ पर क्या हुआ, एक 2 गायब हो गया और एक 3 गायब हो गया। इसको आपने क्या बोलना है और कैसे लिखना है, इसको तुम लोग लिखोगे कि यार पहले तो नंबर था 2n, अब ये बन चुका है 2n -1 -1। दिस विल बी रिटन एज, बिल्कुल सही है, मैं देख रही हूँ, दिस विल बी रिटन एज डबल मोनोसोमी। क्या बोलोगे इसको, डबल मोनोसोमी। अगला केस देखिए बेटा, अब इससे अगला केस देखिए, इससे मिलता जुलता। यस, इससे अगला केस देखना और फिर कंपेयर करना। यस, ओके, दिस इज नॉर्मल, 1 2 कॉपी, 2 की 2 कॉपी, 3 की 2 कॉपी एंड 4 की 2 कॉपी। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 की तो 2 कॉपी है, 2 पूरा गायब, नो, सीधा 3 की 2 कॉपी और 4 की 2 कॉपी, 2 आया ही नहीं, नॉट इवन सिंगल। इसको क्या बोलेंगे, ये भी डबल मोनोसोमी है, क्या ये भी डबल मोनोसोमी है, बताइए। ये बेटा डबल मोनोसोमी नहीं है, ये है 2n-2 एंड दिस केस 2n-2 इट इज कॉल्ड एज नल्लीसोमी। एक भी नहीं आया, क्रोमोसोम नंबर 2 का नल्लीसोमी हो गया है, क्या हो गया है, नल्लीसोमी। और इसी में अगर ऐसा केस आ जाए, यहाँ से एक और केस बना रही हूँ बेटा, ऐसा इसी में बेटा जी अगर ऐसा केस आ जाए कि यार क्रोमोसोम नंबर 1 तो आया बट 2 और 3 दोनों गायब और सीधा चौथा आया. दिस इज गोइंग टू बी, यानी कि 2 पेयर गायब हो गए हैं. दिस इज गोइंग टू बी 2n - 2 - 2 एंड दिस इज नाउ कॉल्ड एज डबल नल्लिसोमी. क्या बोलोगे इसको? डबल नल्लिसोमी, है ना. नाम देने आ गए बेटा, आपको नाम देने आ गए. क्लियर कट डिफरेंस पता चल गया. अब सवाल आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है चीज, ये कंडीशन होती कैसे है यार, हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक एक्स्ट्रा आ गया एक चला गया, हाउ इज दिस पॉसिबल. क्या कोई अंदाजा लगा सकता है किस स्टेप पे ये होता होगा? ये जीनोमैटिक म्यूटेशन आती कैसे है? यस, ये जीनोमैटिक म्यूटेशन आती कैसे है यार, हाउ इज दिस पॉसिबल, किस स्टेज पे ये होता होगा यार गड़बड़? क्या कोई बता सकता है किस स्टेज पे ऐसा होता होगा, किस प्रोसेस में गड़बड़ होती होगी? तो यार बिल्कुल तुम लोग बता सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, और वो आपको दिमाग लगाना है पिछले चैप्टर में जाना है जिसका नाम है सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में बेटा आपने एक प्रोसेस समझा था जिसका नाम है मियोसिस. मियोसिस से हम लोग क्या बनाते थे? गैमीट्स बनाते थे. अब मैं तुम्हें यहाँ नॉर्मल मियोसिस और एबनॉर्मल मियोसिस बताऊंगी, ठीक है, नॉर्मल और एबनॉर्मल बताऊंगी. सो व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ये रीजन बेटा इंपॉर्टेंट है, करना आता है सवालों में रीजन. नॉर्मल मियोसिस देखो, ये मेरा यहाँ पर मान लीजिए सेल है, ओहो यस, ये मेरा यहाँ पर सेल है, इधर एक और बना लेते हैं, ठीक है जी. नॉर्मल मियोसिस देखिए वही 2n = 8 वाली कंडीशन लेंगे, यानी कि मेरे पास जब नॉर्मल मियोसिस का एनाफेज आता है, एनाफेज 1 आता है, तो यार यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी, 2 की 2 कॉपी, 3 की 2 कॉपी और 4 की 2 कॉपी नॉर्मल मियोसिस में. फिर जब एनाफेज होता है तो यार एक क्रोमोसोम मेरा इधर चला जाता है, एक सेट, एक इधर, एक इस पोल पे, एक इस पोल पे, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4 एक ऊपर चला गया और एक बेटा उसका पार्टनर नीचे आ जाएगा. ऐसा ही होता है एनाफेज में, येस और नो. क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4 यानी कि यहाँ पर जो मेरे गैमीट बनेंगे वो बनेंगे n = 4. ये बेटा जी n = 4 है, हाँ जी बन गए. यहाँ पर भी जो गैमीट बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, n = 4. मतलब प्रॉपर सेपरेशन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इस प्रोसेस को जिसमें प्रॉपरली बेटा जी ये सेपरेट हो रहे हैं. एक बार मैं इसको रब कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिसजंक्शन. प्रॉपर डिसजंक्शन हो गया, एनाफेज पे जो सेपरेशन होना चाहिए था वो एनाफेज पे सेपरेशन हो गया. अब जरा इधर आ जाइए, अब जरा मेरे बच्चे इधर आ जाइए एबनॉर्मल केस में. अब तुम बताओगे क्या क्या बनेंगे. यस, किस में आ जाओ, एबनॉर्मल केस में आ जाओ, मैं इधर आ जाती हूँ, आ जाए. अच्छा तो सेंटर में बेटा वही रख लेते हैं. यस, तो दिस इज गोइंग टू बी क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी, 2 की 2 कॉपी, 3 की 2 कॉपी और 4 की 2 कॉपी. अब क्या हुआ, जब एनाफेज आया तो यार 1 तो सेपरेट हो गए, ठीक है जी, एक 1 ऊपर चला गया, एक 1 नीचे चला गया. फिर बेटा 2 वाला भी सेपरेट हो गया एनाफेज में, और एक ये नीचे आ गया, एक नीचे आ गया. फिर बेटा जी 3 वाला भी चला गया. अब तक सब नॉर्मल है, अब तक एनाफेज बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई, 4 में हुई. ये जो पूरा का पूरा 4 है ये नीचे आ गया, यानी कि मेरे पास यहाँ पर एक 4 तो है ही है, एक एक्स्ट्रा 4 है. ऊपर क्या गया, ऊपर 0 अंडा, कुछ भी नहीं गया. यानी कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम का जो पेयर था, होमोलोगस पेयर था, वो तो अलग ही नहीं हुआ. अगर ये होमोलोगस पेयर अलग नहीं हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन. समझे बेटा. अब तुम देखो यहाँ गैमीट फॉर्मेशन, इस गैमीट की हालत बताओ, इसकी और इस गैमीट की हालत बताओ, नाम बता दो क्या हो गया. इस गैमीट को देखिए, यहाँ पर क्या n = 4 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती. यानी कि ये जो गैमीट है ये मेरा n - 1 वाला बना है, n - 1. ये वाला जो गैमीट बना है ये n + 1 वाला बना है ना. इसमें बेटा एक 4 आना चाहिए, नहीं आया। यहाँ पर बेटा एक ही आना चाहिए था, 2 आ गए, तो ये बना है n+1 वाला। कल को ध्यान दो बेटा, कल को अगर ये जो 2 गैमीट्स हैं इनको n के साथ फर्टिलाइज करना पड़ेगा। बेटा ये तो गैमीट है ना, ये मैंने कौन सा प्रोसेस बनाया है? ये मैंने बनाया है यहाँ पर मियोसिस। मियोसिस से गड़बड़ गैमीट बन गए, ठीक है बन गए, किसी को पता ही नहीं चला। हमें क्या पता कौन सा वाला गैमीट गड़बड़ा, कौन सा स्पर्म में गड़बड़ आई, कौन से एग पे गड़बड़ आई, बन गया। कल को बेटा इनको अपना पार्टनर गैमीट मिला, मान लीजिए मेल गैमीट है तो इसको फीमेल गैमीट मिला, यानी कि कल को बेटा ये रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी करेगा और ये भी कर सकता है। अगर बेटा ये n-1 वाला रिप्रोड्यूस करेगा n से और ये भी रिप्रोड्यूस करेगा n से, इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। तो बताइए इस केस में क्या बनेगा? n-1 × n। हाँ जी, इस केस में बेटा कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा? तुम बोलोगे यार इस केस में तो मेरे पास बन जाएगा 2n-1 वाला। पता चला या नहीं? गायब हो गए हो, क्या हो गया बताइए? ये बेटा n-1 वाला गैमीट है, ये n+1 वाला गैमीट है। यहाँ तक क्लैरिटी। फिर मैं कह रही हूँ इनको फर्टिलाइज करने का मौका मिला एक नॉर्मल गैमीट के साथ, तो यार इस n-1 ने n वाले के साथ फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसका प्लॉइडी लेवल 2n-1 है, और इधर जो जाइगोट बनेगा इसका जो प्लॉइडी लेवल है वो 2n+1 है। तो बताओ ये ऊपर की कंडीशन क्या है? ट्राइसोमी, नल्लीसोमी, मोनोसोमी क्या है? तुम बोलोगे ये ऊपर की कंडीशन में तो कौन सा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा? मोनोसोमी वाला, है ना, क्योंकि उसमें एक सेट आया ही नहीं 4 का। और ये जो नीचे वाला बन जाएगा ये बन जाएगा ट्राइसोमी वाला, क्योंकि बेटा ये वाला गैमीट में 2 सेट है 4 के, इस वाले में तो एक ही होगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि मोनोसोमी और ट्राइसोमी क्यों होती है, तुम बोलोगे मोनोसोमी और ट्राइसोमी गैमीट के गड़बड़ होने से होती है। अगर मेरे पास एक गड़बड़ गैमीट बनेंगे तब जाकर मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी होगी। ये गड़बड़ गैमीट क्यों बनते हैं? क्योंकि बेटा मियोसिस के एनाफेज के समय पर नॉन डिस्जंक्शन हो गया था, है ना, ड्यू टू एबनॉर्मल सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम को बेटा ओहो यहाँ पर अलग होना चाहिए था, लेकिन वो अलग नहीं हुए। दिस इज नॉन डिस्जंक्शन। गड़बड़ गैमीट बनेंगे तो गड़बड़ जायगोट बनेगा, जायगोट आगे फ्लरिश किया तो वो डिसऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, यस, दिस इज बेसिकली नॉन डिस्जंक्शन। गॉट इट? बताइए सबको समझ आ गया? यस मेरे बच्चों, है ना, सबको समझ आ चुका है। ओके, सो दिस इज अबाउट द म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन मैंने आपको भी बताई है। कौन सी बतानी रहती है? अभी बेटा आपको बतानी रहती है अपनी क्रोमोसोमल एबरेशन एंड अपनी जीन म्यूटेशन। ठीक है, ये 2 बतानी रहती हैं। और म्यूटाजन के बारे में बताना है कि म्यूटेशन आती क्यों है, म्यूटाजन की वजह से आती है, कितने तरीके का म्यूटाजन हो सकता है, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल हो सकता है। 1 पेज 2 पेज और लिखेंगे बस क्रोमोसोमल और जीन वाली, एंड 1 पेज हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में, एंड दैट विल बी इट। ज़्यादा डिटेल तो बेटा आपकी उसमें दी नहीं हुई है। ठीक है, जो देती दी हुई है हम उतना करेंगे। खैर मैंने आपको काफ़ी बता दिया, काफ़ी हमने चीज़ें कर ली है। क्या आज का लेक्चर बेटा 100% समझ आया? एक बारी सेशन को लाइक लाइक करके बता दो। बेटा क्लास 11th भी होगा, बिल्कुल होगा, बीच बीच में चलेगा। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि पहले सारी क्लास 12th, क्योंकि मुझे पता है यार, बट मैंने 11th को भी सजेस्ट करके रखा है। प्लीज़ आप जेनेटिक्स एक बार सुन लो, चाहे लिखो मत, अगले साल लिख लेना, पर आके सुन लीजिए। सुनने से बेटा आपका एक, मैं बोल रही हूँ 40% तो आपका काम हो जाएगा। अगले साल फिर बस 60% काम बचेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम बचेगा, नए टर्म्स नहीं होंगे। तो अगर बेटा समझ आ गया तो फटाफट से लाइक कर दो। कम ऑन बेटा, फास्टली लाइक द सेशन। यस, फटाफट से बेटा जी लाइक कर दीजिए। यस, कम ऑन, फास्टली लाइक द सेशन। हाँ जी, अगली क्लास का मैं लिंक पिन कर रही हूँ। अब जो अगली क्लास होगी वो होगी कल की कक्षा में, कल नहीं सॉरी परसों होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल हैपन परसों। ठीक है, ये मैं पिन कर रही हूँ, इसमें बेटा एनरोलमेंट कर लेना। और एक स्पेशल क्लास भी लूँगी, वो स्पेशल क्लास में हम लोग रिविजन और PYQ डिस्कस करने वाले हैं। वो उसका लिंक मेरे टेलीग्राम पे आएगा। सो मेक श्योर बेटा यू गाइज आर ज्वाइनिंग माय टेलीग्राम, मेरे ही नाम से है, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। जब आप उस नाम पे उस टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक दिखना चाहिए t.me/seepmam। कल वाली पीडीएफ और आज वाली पीडीएफ मैं इकट्ठी दे देती हूँ। आई एम सो सॉरी बेटा जी, मैं कल वाली पीडीएफ भूल गई थी। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो यार लाइक करना जरूर बनता है, लाइक फटाफट से कर दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई मेरी जो मेहनत है वो सफल रही। साथ ही में एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, चाहे जैसा भी लगा हो। वन कमेंट मे नॉट हर्ट यू बट इट विल हेल्प योर juniors or your fellow students to decide whether to watch this lecture or not। ठीक है, और कमेंट तो मैं पर्सनली पढ़ती हूँ, तो मेरे लिए एक तरीके का वो अटेंडेंस है। ठीक है, कि लाइक आपका अटेंडेंस है और एक कमेंट आपका अटेंडेंस है। मैंने अगली क्लास का लिंक यहाँ पिन कर दी है। और बेटा आपको बात बतानी थी, आज आखिरी दिन है किसका, आइकॉनिक पे 35% ऑफ का। तो अगर आप बेटा मेरे अग्नि बैच में आना चाहते हैं और सारे टीचर्स का एक्सेस चाहते हैं, अनअकैडमी के अमेजिंग अमेजिंग मॉड्यूल्स घर पर पाना चाहते हैं, डिलीवरी में चाहते हैं, आपको पीडीएफ भी मिले और सबसे बड़ी चीज़ आपको नीट एश्योर मिले। नीट एश्योर का क्या मतलब है, गारंटेड सिलेक्शन चाहते हैं, तो यार आज आखिरी दिन है। रात को 12 बजे तक 11:59 तक ये ऑफर वैलिड है। आपको इस ऑफर के लिए कोड लगाना है बस, सीप लाइव। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, इसका लिंक दिया हुआ है। और बैच मैं आपको बता रही हूँ, मेरा तो जस्ट अभी बैच शुरू हुआ है जिसका नाम है अग्नि बैच। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें कवर हो रही है। लेकिन आइकॉनिक लेते हो तो मेरे सारे बैच दिखेंगे, प्लस मेरे आने वाले बैच, किसी और टीचर, रैंडम टीचर के बैच, एवरीथिंग ऑन अनअकैडमी विल बी अनलॉक्ड। ये वो ताले की चाबी है, ये वो चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं, है ना। तो वो चाबी आपके पास कौन सी है, आइकॉनिक की। ठीक है, बाकी बेटा मिलते हैं परसों, एंड नोट्स मैं अभी जस्ट आपको भेज रही हूँ। एक कमेंट और एक लाइक, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए आए, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू सो मच बेटा जी, मिलते हैं, बाय बाय, हैप्पी संडे गाइस।